सर्वस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हर दिन ओंकार और गायत्री की प्रार्थना के पुरुषार्थ के साथ योग प्रारंभ करते हैं। तो एक तरफ प्रार्थना, दूसरी तरफ पुरुषार्थ, ये क्रम है योग का। और इसमें आज थोड़ा थोड़ा अभ्यास। चलो खड़े हो जाओ। योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक थोड़ा ही करवाएंगे, लंबे लंबे श्वास। चलो भगवत स्मरण के साथ कर रहे हैं। मैं कह रहा था जिनका जैसा सामर्थ्य अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार कर रहे हैं। भोर में ही अपनी फ्रिक्वेंसी किसके साथ जोड़ लो, गुरु और भगवान के साथ, फिर देखो जीवन अपने आप उभरता चला जाए, नहीं तो गिरावट बहुत है, मिलावट भी बहुत है। पहला, दूसरा। हर दिल में तेरा नाम है और न्याय ही तेरा काम है। हर दिल में तेरा नाम है और न्याय ही तेरा काम है, और न्याय ही तेरा जगपाल हो। प्रभु तुम मनु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो। आराम आराम से ऐसे साइड में झुकना। प्रभु इतने सूक्ष्म है कि हमारे शरीर की छोटी सी कोशिका से लेकर ब्रह्मांड के छोटे से परमाणु से, जिसका आकार तुम माप भी नहीं सकते, वो सूक्ष्मता की भी पराकाष्ठा जाकर के वो प्रभु बसा हुआ है और इस सारे ब्रह्मांड में वो समाया हुआ है।
उसी ने सारा ताना बाना रचा हुआ है। सब कुछ उसी में है, उसी का है और अंततः उसी में। कस्त्वायुनक्ति सत्वायुनक्ति कस्मैत्वायुनक्ति तस्मैत्वायुनक्ति कर्मणि वामदेशाय वा। किसी कवि का ख्याल हो प्रभु तुम मणु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो। ऐसे झाड़ू से निकाल रहे, चल बैठ। कैसे करना है? अब इसमें दो अभ्यास बताता हूं। एक तो अंगुलियों अंदर करके ऐसे ऐसे, ठीक है? पांच पांच बार सबको कंपलसरी करना, तो 10 बार से मेरा शुरू होता है। बाहर की तरफ बेशुमार हो, बेहिसाब हो, जो न खत्म हो वो किताब हो,
बेशुमार हो बेसाब हो बेशुमार हो बेसाब हो जिसका कहीं न जवाब हो जिसका कहीं न जवाब हो उलझा हुआ वो सवाल हो प्रभु तुम मनु से भी सूक्ष्म हो प्रभु तुम गगन से विशाल हो मैं मिसाल लेटो ऐसे तो कर लो यही कर लो सिंहासन ये तो हो जाता है ना ये तो सबके लिए भी अच्छा है मोटापा के लिए भी मेरुदंड के लिए भी स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी प्रभु की प्रार्थना के साथ बार करना 25-25 बार करके ये तो 100 बार हो जाएगा पहले वाले में थोड़ी दिक्कत थी तो चलो सीधे लेटो दिक्कत तो कहीं नहीं है दिक्कत तो आलसियों और प्रमादियों के लिए है तो मेरे साथ संकल्प करेंगे सभी प्रमाद नहीं करना बोलो प्रमाद और पुरुषार्थ को नहीं छोड़ना पुरुषार्थ को अब बस यही सत्य है जीवन का प्रमाद को छोड़ दो और पुरुषार्थ को पकड़ के रखो छोड़ना नहीं किसी भी स्तर पर शरीर के स्तर पर क्या करना है पुरुषार्थ शरीर के स्तर पर पुरुषार्थ क्या है इसको रोगी नहीं होने देना बोले स्वामी जी ये हमारे हाथ में है क्या हाँ तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में है बोले स्वामी जी अब तो बात बिगड़ गई समर जाएगी बिगड़े बना दे मेरे काम मेरे दाता महान बिगड़े बना दे मेरे काम मेरे दाता महान दाता महान मेरे मालिक महान बिगड़े बना दे मेरे काम लंबे लंबे श्वास दो दो से कर लो या एक एक हलास अर्धहलासन पादवृत्तासन थोड़ा थोड़ा सब करवा रहे कर जिसका जैसा सामर्थ्य करना सारे काम बनेंगे तुम्हारे स्वास्थ्य मिलेगा शक्ति मिलेगी समृद्धि मिलेगी सफलता मिलेगी विजय मिलेगी रोगों से भी मुक्ति मिलेगी और जीवन मुक्ति मिलेगी सबसे बड़ी बात जीवन का निर्माण होगा क्या बोला मैंने बोलो और निर्वाण मोक्ष भी होगा करो योग और कर्मयोग ही साधन है अच्छी चीजों को पकड़ के रखना योग को कर्मयोग को ज्ञान योग को भक्ति योग को अष्टांग योग को क्रिया योग को हठ योग को अपने
योग को पकड़ के रखना, अपने कर्म योग को, अपने कर्म को, अपने कर्तव्य को, अपने धर्म को पकड़ के रखना, छोड़ना मत। कंप्लीट डिटैचमेंट बुरी चीजों से, कंप्लीट अटैचमेंट अच्छी चीजों से, यही अभ्यास वैराग्य। इसी को कहते विवेक वैराग्य, षटक संपत्ति मुमुक्षुत्व, सब कुछ मिलेगा तुम्हें। चलो पाद वृत्तासन, फिर द्विचक्रिकासन, अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, बदल बदल के करते रहो, करते रहना जब तक मैं ना नहीं बोलूं तब तक। मैं खतावार हूं तो खतापोश है, मैं खतावार हूं तो खतापोश है, तेरी बख्शिश अता और करम काम है, तेरी बख्शिश अता और करम काम। बिगड़े बना दे मेरे काम, मेरे दाता महारे, मेरे प्रभु हे मेरे मालिक, आपकी शरणागत हे मेरे पिता। कोई इसको मोला बोलता है, कोई उसको वाहेगुरु अकाल पुरुष बोलता है, कोई इसको गॉड बोलता है और माइटी बोलता है, कोई इसको सुपर पावर बोलता है, कोई इसको यूनिवर्सल लोग कहते हैं, जो नास्तिक है वो भी मानते हैं। कुछ तो है जो इस सारी कायनात को चला रहा है, आओ उसकी शरण में आओ, उसकी महिमा के गीत गाओ, उसको अपना मित बनाओ, वो तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ता। अंति संतम न जहाति, अंति संतम न जहाति, अंति संतम न पश्यति, पश्य देवस्य काव्यम न ममारन जीर्यति। लंबे लंबे श्वास, ऐसे अर्धनासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, करो करो, फिर से करो, अभी पूरा नहीं हुआ है, मैं भी तो कर रहा हूं, जिसको जरूरत नहीं है देखो। फिर बोले बाबा जी कर क्यों रहे, करना इसलिए कर रहे, मुझे वजन नहीं घटाना ना बढ़ाना, बैलेंस रखना इसलिए कर रहा हूं। समत्वम योग उच्यते, योग कर्म सुकौशल, समता में रहे तन मन, समता में रहे, मर्यादा में रहे, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव जीवन आचरण में मर्यादित रहना इसलिए कर रहे। कुशलता पानी है मुझे, जो कुछ प्रभु ने मुझे दायित्व दिए है उनको कुशलता पूर्वक निष्पादित करना है, रोगी नहीं होना है, योगी बनना है, उपयोगी बनना है। लंबे लंबे श्वास, जब तक मैं रहूं तेरा बन कर रहूं, जब तलक मैं रहूं तेरा बन कर रहूं, जैसे राखू न मैं कोई शिकवा करूं, जैसे राखू न मैं कोई शिकवा करूं, दुर्व्यसन दूर कर ना तमाम मेरे दाता महान, बिगड़े बना दे मेरे काम मेरे दाता। देखो जो मोटापा वाले भाई बहन है वो तो यही कार्यक्रम चालू रखना, अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन और शेष मरकटासन कर लेना, अपना अपना कार्यक्रम जारी रखना है, कोई विराम नहीं। मेरे साथ बोलो चरई वेति, बोलो चरई वेति, उत्तिष्ठता जागृता यो जागारा तमृचः कामय। सारे वेद, सारे शास्त्र, सारे सत्य, सारे सिद्धांत, सारे सारा स्वास्थ्य, सारी सफलता, सारी विजय, सारे सुख, सारी शांति, अनंत आनंद, प्रसन्नता उसमें घटित होती है, फलीभूत होती है, जो चलते रहते हैं। करते रहो, विराम नहीं, विश्राम नहीं, चलती का नाम ही गाड़ी है, चलती का नाम ही जिंदगी है। ये चलना बंद हो गया, गति रुक गई तो दुर्गति तय है। बोले बाबा जी हमारी तो दुर्गति हो रखी है। अरे मेरे भाई प्रगति करनी है तो गति में ही प्रगति है, बिना गति के दुर्गति है। लंबे लंबे श्वास, भीतर से प्रभु के लिए प्रार्थना और अपना पुरुषार्थ,
इसी को कहते हैं प्रार्थना मूलक पुरुषार्थ, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति। निष्काम होकर के, अकाम होकर के, आप्तकाम आत्मकाम होकर के सब काम करना, ये योग अध्यात्म के बड़े सिद्धांत आपसे मैंने कह दिए इन दो तीन वाक्यों में। मरकटासन के तीन अभ्यास करने हैं, दूसरे अभ्यास में घुटने पंजों में फासला करो करो। सबकी मंजिल है तो है सबका खुदा, सबकी मंजिल है तू है सबका पिता, तू है सबका मालिक, दाता, माता, पिता, बंधु, सखा, प्रभु तू ही सब कुछ है। सबकी मंजिल है तू है सबका पिता, फिर अकलमंद इंसान क्यों है जुदा, फिर अकलमंद इंसान क्यों है जुदा। बेरहम हो रहा अब जहान मेरे दाता, बेरहम हो रहा क्यों जहां मेरे दाता महान, मेरे दाता महान, मेरे दाता महान, दाता महान, मेरे मालिक महान, बिगड़े बना दे मेरे काम, मेरे दाता महान, मेरे प्रभु आपकी शरण में हो, मेरे काम मेरे दाता दे, मेरे काम मेरे दाता, मेरे दाता, मेरे मालिक, मेरे दाता। हो गया मरकटासन, तो तुम्हारे बिगड़े काम बनेंगे। तंत्र मंत्र यंत्र षड्यंत्र करके नहीं, कुछ लोग इसी चक्कर में रहते हैं, बस कुछ बाबा जी ऐसा मंत्र बना दो सब काम बन जाए, यही मंत्र है। कर्म करो, कर्म ही सबसे बड़ा मंत्र है। ये योग भी एक कर्म है, दिव्य कर्म है। मरकटासन, अब जिनको ज्यादा ही कमर में दर्द है वो अर्ध पवन मुक्तासन कर लो, एक एक पैर से कर लो, दोनों से कर लो। और जिनको डायबिटीज है वे पूरा कर लो पवन मुक्तासन, करने से ही सब कुछ होगा। ये क्यों बोलना पड़ता है? कुछ लोग झूठे ख्वाबों में रहते हैं ज्ञान से मुक्ति हो जाएगी, कुछ लोग कहते हैं केवल ज्ञान से मुक्ति हो जाएगी। हाँ, पवन मुक्तासन मुक्ति तो होगी, पवन मुक्तासन करने से मुक्ति होगी। हाँ, नहीं तो पवन भीतर घुसी रहेगी, कभी ऊपर चढ़ेगी, कभी बोले बाबा जी बगल में चढ़ गई, कभी बोले बाबा जी बाई चढ़ गई पैर में। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, सब कुछ होगा, करने से होगा। कुछ केवल ज्ञान से मुक्ति मानते हैं, कुछ केवल भक्ति से मुक्ति मानते हैं, कुछ केवल कर्म से मुक्ति मानते हैं, कुछ केवल मौन रहने से मुक्ति मानते। मौनी है, बोलो बाबा जी मौनी है। एक गंगोत्री में थे मौनी बाबा, मौन मौन में 25 बालक पैदा कर दिए। मैंने कहा वाह लगे रहे बेटे। सच्ची बात बता रहा हूं आपको, किसी को गंगोत्री जाने का मौका मिले तो पूछना मौनी बाबा का आश्रम क्या हाल है। मौन मौन में खींच दिया काम। और ये पता ही नहीं कि इसका आगे होगा क्या, वो सारे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं उनके बालक। तो देखो, कुछ केवल मानते मौन में मुक्ति है, कुछ ऐसे प्रवचन करते हैं, बस प्रवचन ही करते करते कुछ नहीं है, प्रवचन ही चल रहा है। करना कुछ नहीं, सबको प्रवचन करते ये करो वो करो खुद। मैंने कहा महाराज आप क्या करते? बोलो मैं यही तो करता हूं, सबको करने के लिए कहता हूं और कुछ नहीं करता हूं। मैंने कहा जय हो महाराज, आपका कल्याण नहीं हो सकता। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, कुछ केवल प्रवचन से मुक्ति मानते हैं। चलो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन उठाओ। कुछ केवल आसन, कुछ केवल प्राणायाम, कुछ केवल ध्यान, कुछ केवल एक एक काम में लगे।
तुम केवल शरीर नहीं हो, केवल मन नहीं हो, केवल तन नहीं हो, केवल आत्मा नहीं हो। बनी बात, एक एक मिनट करना है, एक एक मिनट से शुरू करके पांच पांच मिनट पूरा करना है। ऐसे छोड़ने वाला नहीं हूं, सबको पूरा करा के छोड़ूंगा। अच्छा बताओ, आहार हमारा समग्र सर्वांगीण होना चाहिए कि आहार में न्यूनताएं होनी चाहिए? तो आप एक ही बात कहेंगे, आहार में तो कोई डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। यदि लगातार आपको आयरन की डेफिशिएंसी रहे तो खून आ जाएगा, हीमोग्लोबिन आ जाएगा, दो चार पर चक्कर खा के गिरोगे, पड़ोगे, मरोगे, और कोई रास्ता नहीं है। जो न्यूनताओं के, अपूर्णताओं के शिकार हो जाते हैं, अधूरा। भगवान ने तुम्हें आदमी पूरा बनाया, औरत पूरी बनाई, किसी को किन्नर भी बनाए तो भगवान ने पूरा बनाया, कोई कमी नहीं छोड़ रखी, जो जिसको बनाया। मजाक मत उड़ाना कभी किसी की, भगवान ने सबको जो बनाया पूरा बनाया। तो तुम पूरे बनकर के जियो, पति पूरे बनो, पत्नी पूरी बनो, बाप पूरे बनो, माँ पूरी बनो, औलादें पूरी बनो, गुरु पूरे बनो, शिष्य पूरे बनो, अध्यापक पूरे बनो। ऐसे नहीं कि स्कूल में तो इसलिए चले गए कि वहाँ ग्राहक मिल जाएंगे, घर पर बुला करके ट्यूशन करा रहे हैं, नाश होगा थारा जो ऐसे कर रहे हैं। थोड़ी देर आदमी सोच लेता है कि मैं पैसे कमा लूँगा। सुबह सुबह मैंने किसी को शाप नहीं दिया है, और मैंने क्या दिया, भगवान का विधान ही ऐसा है, जो अपना कर्तव्य पूरा नहीं करता उसको उसका दंड मिलेगा। ये नेचुरल जस्टिस है। क्या है बोलो? नेचुरल, नैसर्गिक न्याय है ये। क्या है बोलो? नैसर्गिक न्याय है ये। इसको कहते हैं यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, यूनिवर्सल लॉ है ये। ये भगवान का विधान है, ये देश का भी विधान है, ये समाज का विधान है, ये जीवन का विधान है। जिससे जो बन पाए पूरे कर लेना। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, मरकटासन, जिसको जो कहा हुआ है पूरा करना। इसलिए हम एक भजन गाते हैं ना छोटा सा, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, ओ जो कोई जैसी करनी करता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। ओ क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, कोई संसारी कोई सन्यासी राजा रानी नहीं बच पाएगा, उसका कानून सबके लिए एक समान है। करो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, एक एक मिनट करना है। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। ओ अंतर्यामी अंदर बैठा, अंतर्यामी अंदर बैठा सबका ही सांप लगाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। लंबे लंबे श्वास, भस्त्रिका कपाल भाति के साथ, अभ्यंतर प्राणायाम के साथ, जिसको जैसा अभिष्ट है वैसे कर लेना, उज्जाई के साथ। ओ बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा, किसी को कोड़ी कम नहीं देता, मिले नफाई ज्यादा, किसी को कोड़ी कम नहीं देता, मिले नफाई ज्यादा, इसीलिए यह दुनिया का है, इसीलिए
जगतपति कहलाता मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। आपने किया पूरा अपना बाएं करोट लेके सबका अकाउंट है खुला हुआ। अभी सुबह सुबह योग का अकाउंट खोल रखा है। किसका? गुरुओं का भी खुला हुआ है और चेले का भी, और जो नहीं करेगा उसी पे मार पड़ेगी चारों तरफ। ओहो, बीमारियां ताक लगाई घात लगाई बैठी में। बोले स्वामी जी 10-10 बीमारी घुस गई, एक एक को 10-10 बीमारी घुसी हुई है, बताओ कैसे बात बनेगी। और बीमारियों के साथ ऊपर से भय घुसा हुआ है, कुंठाएं घुसी हुई है, दुराग्रह घुसे हुए। थोड़ा इसको माइक की भी आवाज तेज कर दे भाई, क्या बैर है क्या इसको बढ़ा। तो मैं कह रहा था श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक जाओ, रुकना नहीं, नहीं तो जिसने नहीं किया मंडूकासन उसके भीतर डायबिटीज घुसेगी, किडनी फेल होगी, लीवर फेल होगा, फैटी लीवर, हेपेटाइटिस, लीवर सिरोसिस, बाबा जी कॉन्स्टिपेशन हो गया, दूसरा था कोलाइटिस हो गया, एक का निकलता नहीं, एक का रुकता नहीं, दोनों परेशान है। बोले बाबा जी क्या करें, योग कर लो, जिसका नहीं निकलता उसका निकल जाएगा और जिसका ज्यादा गड़बड़ घोटाला हो रखा है उसका रुक जाएगा। डट जा मेरे भाई, चलो उजली करने कर ले रे बंद कर मन करियो काला, उजली करने कर ले रे बंद कर मन करियो काला, लाख नोक से देख रहा है तुझे देखने वाला, लाख नोक से देख रहा है तुझे देखने वाला, उसकी तेज नजर से बंदे, उसकी तेज नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता मेरे दाता के दरबार में, सब लोगों का खाता मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। एक बार में 5 मिनट ना हो जाए तो चाहे 5 बार में कर, और आराम आराम से भस्त्रिका कपाल भाति बाह्य प्राणायाम के साथ ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, मैं भी तो कर रहा हूँ, कर लो आराम से, कर लो अनुष्ठान की तरह, करो भाव से, करो श्रद्धा से, करो भक्ति पूर्वक। इसलिए मैं कहता हूँ केवल ज्ञान योग, केवल भक्ति योग, केवल कर्म योग, केवल अष्टांग योग, केवल राजयोग, केवल आत्म संयम योग, केवल कुछ नहीं होता, समग्रता में ही सत्य है जीवन का। ओ चले न उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी, चले न उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी, उसकी लेन देन की बंदे रीत बड़ी है बाकी, उसकी लेन देन की बंदे रीत बड़ी है बाकी, समझदार तो चुप ही रहता, समझदार तो चुप ही रहता, मूर्ख शोर मचाता मेरे दाता के दरबार में, सब लोगों का खाता मेरे दाता के दरबार में, सब लोगों का खाता मेरे दाता के दरबार में, सब लोगों का खाता, जो कोई जैसी करनी करता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता मेरे दाता के दरबार में, सब लोगों का खाता मेरे दाता के दरबार में, सब लोगों का खाता मेरे दाता के दरबार में, सब लोगों का खाता। मंडूकासन डायबिटीज वालों को, जिनको पेट की बीमारी है, कोलाइटिस है, कॉन्स्टिपेशन है, लिवर की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, ये डाइजेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, 5 मिनट करना है एक आसन, आराम आराम से कर लेना,
होले होले एक अनुष्ठान की तरह। हाथ ऊपर उठाओ, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक जाओ, थोड़ा थोड़ा करवा रहे, फिर पूरा करना आपको, आगे झुक करके रुक जाना। वापस आ जाओ, ये तो अच्छे से कर लिया आपने, बड़े अच्छे हो गए आप तो, नहीं तो पहले तो कुछ तो ऐसे करे, ऐसे किया बाबा जी, हो गया। गांव की भाषा में बोलते हैं क्या पोत सा उतार रहे हो, औपचारिकता सी पूरी कर रहे हो, नहीं ऐसे बात नहीं बनेगी। जो स्वस्थ हो पीछे भी झुक जाओ, कुछ कह रहे बाबा जी ये तो लंबा टास्क दे दिया। चलो ऐसा नहीं हो रहा तो ऐसे कर लो, ऐसे उठ जाओ, ऐसे ही कर लो, ऐसे उठ जाओ, आराम से हो जाता है। ऐसे ऐसे करने में कभी कभी कोई कोई गिर जाता है। बनी बात नहीं बनी तो आधा कर लो, अर्धचंद्रासन कर। ज्यादा होते हैं लग नहीं पाता उनसे, तो मंडूकासन शशकासन ही पर्याप्त है, वक्रासन फिर गोमुखासन करा देंगे, जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी है वो अर्धमत्स्येन्द्रासन भी कर सकते हैं, जो करना चाहें तो कोई रोक थोड़ी है, ऐसे भी कर सकते हैं, जिसमें जैसा सामर्थ्य यथाशक्ति कर ले, एकाग्रता से करना, धैर्य से करना, रिदम के साथ करना। जीवन एक उत्सव है, क्या है बोलो, जीवन एक, हर दिन वार है, त्योहार है, हर दिन होली है, हर दिन दिवाली है, जो खुश रहते उनके लिए हर दिन होली है दिवाली है, बाकी का तो दिवालिया निकला ही पड़ा। खुश रहो, प्रसन्न रहो, और 6 घंटे की नींद नहीं आई तो भी गड़बड़ है। सारी चीजें खुशियों के लिए करते हैं, लेकिन खुशियों में अति नहीं करना, लेकिन हो उल्टा रख, ये बिगाड़ खाता क्या हो रखा है, एक्सट्रीम पर जाना है, इतना पीना है, इतना पीना है कि पीते पीते जब तक पड़ ना जाए, बेहोश ना हो जाए, उल्टी कर देते हैं लोग, मतलब क्या क्या उल्टा पुल्टा पीते हैं, खाते हैं, और फिर कहते खुशियां मनाए, धत तेरे की क्या खुशी मनाई तूने, बेहोश वैसे हो गया, उल्टी वैसे हो गई, बीपी ऐसे ही बढ़ गया, पैसा और बर्बाद हो गया, उम्र और घट गई, लीवर किडनी खराब हो गई, सिगरेट पी रहे हैं, छल्ले उड़ा रहे हैं, उसमें ना गोल गोल घुमाते हैं, पता नहीं क्या उसकी भी कोई स्पेशल स्किल होती होगी इन बेहूदों की। ये एक अनपढ़ माँ बाप का बालक
सन्यासी बन करके कितनी सेवा करता है, कितना पुरुषार्थ परमार्थ करता है। बेटा तू भी सीख, अपने कुलवंश खानदान का नाम कुछ कर, कुछ जिंदगी का मैं अच्छे भले काम कर, कुछ जिंदगी का सही कामों में उपयोग कर। क्यों बैठा हुआ है बेटा, तू भी सुबह सुबह योग कर, मेहनत कर, काम कर, कामयाबी हासिल कर, निकम्मा मत बैठा रहे। मैं तो कहता हूँ सारी दुनिया में खाली दो ही काम हो जाए ना, सुबह सुबह योग कर लें और 18 घंटा मेहनत कर लें। ये अपने बच्चों को औलादों को सिखा देना, सुबह सुबह योग और दिन में 18 घंटा काम करना, बस। और कोई दूसरी तीसरी बात सोचने की जरूरत ही नहीं। पढ़ाई के समय पढ़ाई से काम, काम के समय काम से काम, जिस समय जो कर रहे हो उसको आनंद से करो, मस्ती से करो, जैसे मैं करता हूँ। कुछ लोग मेरे से कहते हैं स्वामी जी आप सब इतना काम करते हो, आपको कभी ये बोझ सा नहीं लगता, कितने पंगे ले रखे हैं आपने। मैंने कहा क्यों, तेरे को क्या तकलीफ, मेरे को परेशानी हो जाती है, बाबा जी ने कितने चारों तरफ अखाड़े खोल रखे हैं। मैंने कहा मैं सब कुछ करते हुए निर्भर रहता हूँ। क्या रहता हूँ बोलो, जो पैर ऊपर है ना वही हाथ ऊपर, निर्भर रहना, बोझ रहित रहना। बोलो बाबा जी आप तो सन्यासी हो, बहुत जिम्मेदारी है। मैंने कहा मैं गैर जिम्मेदार हूं, जिम्मेदारियां पूरी निभाओ, कुछ भी कसर मसर मत छोड़ो, कोई कसर नहीं छोड़ना काम करने में। खेती कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, राजनीति कर रहे हो तो फुल टाइम पॉलिटिक्स करना, अमित शाह जी की तरह और मोदी जी की तरह, योगी जी की तरह। इसका मतलब किसी के बारे में उल्टा नहीं बोल रहा हूं मैं सुबह सुबह। कुछ लोग राजनीति करते हैं पार्ट टाइम, कभी गर्लफ्रेंड के साथ, कभी बॉयफ्रेंड के साथ, कभी न्यू ईयर मना रहे हैं, कभी बर्थडे मना रहे हैं, कभी पार्टी कर रहे हैं, कभी महफिल सजा रहे हैं, कभी एडवेंचर कर रहे हैं। अपने काम में ही सब काम ढूंढ लो। ए देखो इधर स्वामी रामदेव की तरफ, कोई एडवेंचर नहीं करता। योग में कोई एडवेंचर बना दिया मैंने, कोई इंटरटेनमेंट नहीं करता, योग में इंटरटेनमेंट कर लेता हूँ। हंसने की इच्छा हो तो दो चार चुटकुले सुना देता हूँ तुम्हारे ही क्या दिक्कत है, आराम से, और कोई किसी को बुरा ना लगे ऐसी बात कहो। योग इज एंटरटेनमेंट, योग इज जॉय, योग इज हैप्पीनेस, योग इज हेल्थ, योग इज वेल्थ, योग इज वर्शिप, योग ही सब कुछ है। प्राण ही बाप है, प्राण ही माँ है, प्राण है पिता, प्राण माता है, प्राण ही माई बाप है, प्राण ही घर है, प्राण ही परिवार है। देखो प्राणों के साथ प्राणों का ध्यान करते हैं, योग कराते हैं और इसी में ही सब कुछ पाते हैं, नवजीवन पाते हैं। मैं कहता हूं प्राण ये कल्प वृक्ष है, प्राणायाम करो, प्राणायाम के साथ आसन करो, ध्यान करो, और प्राणायाम करते हुए जो भी संकल्प करोगे फिर कर्म करो अपने, फिर तुम्हारे सारे संकल्प सिद्ध होंगे। और मैं आपके सामने बैठा हूं स्वामी रामदेव पूज्य आचार्य भाषण जी, ये पूरा पतंजलि योग पीठ। योग से क्या होता है, कुछ लोग ऐसे मुंह उठा करके योग से कुछ नहीं होता, ऐसे मुंह उठा कर ऐसी बात कर रहे हैं, सारी धरती के ज्ञान से वही बूझा मर रहे हैं ऐसे बावड़े बावड़े। मैं कहता हूं लोग ये कहते हैं ना योग से क्या होता है, छोड़ो इस बात को, योग से तो सब कुछ होता है और वो तुम्हारे सामने प्रमाण है, पूरा पतंजलि प्रमाण है, स्वामी रामदेव प्रमाण है, आचार्य उसके प्रमाण है, उसका परिणाम है क्या होता है। योग करने से क्या होता है ये पूछने की जरूरत नहीं, योग न करने से क्या होता है, योग न करने से सारा संसार मोटा मोटा हो रखा है, खोटा खोटा हो रखा है।